दोस्तों आर के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में मैं राजेंद्र भास्कर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आजकल जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी में एमएस ऑफिस 2010 से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपके कंपटीशन एग्जाम और आपकी स्कूली शिक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए आज एमएस ऑफिस 2010 के पार्ट नंबर 1 एमएस वर्ड 2010 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम एमएस वर्ड 2010 की बेसिक चीजें तथा फाइल टैब को स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। दोस्तों आपको इतना भरोसा मैं दिलाता हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों आज हम आपको सबसे पहले एमएस वर्ड 2010 की बेसिक चीजें बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे होते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सभी क्या होते हैं, इनको टैब बोलते हैं दोस्तों। और इन टैब के नीचे जो ये बने हुए हैं आपके सामने, ये सब क्या होते हैं, रिबन्स होते हैं। जैसे ये होम के हैं, कट कॉपी पेस्ट वगैरह हैं। फिर इंसर्ट के आगे ये टेबल वगैरह क्लिप आर्ट है, ये सभी इंसर्ट के रिबन्स हैं। फिर पेज लेआउट के हैं, इसी तरीके से ये ऊपर वाले क्या होते हैं हमारे, इनको टैब बोला जाता है। और जो नीचे होते हैं ये इनके रिबन्स होते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों इसका आपको पता ही है, जो माइनस का जो साइन दिखाई दे रहा है आपको, ये मिनिमाइज का होता है। जैसे यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर दिया, नीचे चला गया। फिर दूसरा हमारे पास आता है कौन सा, आपका दूसरा जो होता है वो आपका रीस्टोर का आता है। जैसे हमने उसको ऊपर किया, क्लिक करते ही यह क्या हो जाएगा, स्क्रीन आपकी छोटी हो जाएगी। फिर उसके बाद में दोस्तों वापस इसके ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। देखो मैक्सिमाइज आया हुआ है, मैक्सिमाइज हो गया। और ये थर्ड हमारा क्या है, क्लोज, इसको करते ही हमारा कट जाता है, पेज पूरा ही क्लोज हो जाता है। अब हम दोबारा इसको ओपन करते हैं और सबसे पहले आइए दोस्तों, अब हम सबसे पहले एक एक टैब को आराम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम टैब को पढ़ेंगे, वो टैब हमारा कौन सा है, वो टैब हमारा फाइल टैब है। फाइल टैब के अंदर देखो, जैसे हम दोस्तों जाते हैं यहाँ पर, तो देखो दोस्तों यहाँ पर जाने के लिए हम सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ राइटिंग कर लेते हैं, पेज खाली पड़ा हमारा कुछ इसके अंदर लिख लेते हैं। अब जैसे दोस्तों अगर आप बिगनर्स हो तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर चाहे कोई इंग्लिश की बुक लेकर के उससे आप कुछ राइटिंग कर सकते हो इसके अंदर, या फिर आप बिगनर्स नहीं हो तो आप इसके अंदर फॉर्मूला होता है, जैसे देखो इक्वल RAND रैंड और ब्रैकेट के अंदर आप, जैसे हमें 5 पैराग्राफ चाहिए तो 5 हमने दबाया और ब्रैकेट बंद और ये हमने एंटर की दबाएंगे, दबाते ये हमें 5 पैराग्राफ अपने अंदर इसके अंदर स्टोर है उसमें से 5 पैराग्राफ हमें वर्क करने के लिए हमें दे देता है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास 5 पैराग्राफ आ चुके, 1, 2, 3, 4 and 5 आ चुके। अब देखो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों फाइल, फाइल टाइप के अंदर जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, सेव का आता है। सेव क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों ऑप्शन की हम आपको शॉर्टकट की भी साथ साथ बता दी जाएंगे, जिन जिन ऑप्शंस की शॉर्टकट की हैं वो सभी शॉर्टकट की हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। जैसे यहाँ पे सेव दबाया, सेव को आप या तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो या फिर इसको आप काट करके कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके भी आप सेविंग डायलॉग बॉक्स आ सकता है। फिर हमने यहाँ पर जैसे हमने कुछ नाम लिखा, जैसे NEW न्यू के नाम से हमने फाइल सेव करनी है, फाइल की लोकेशन पूछ रहा है या फिर आपको उसकी जगह पूछ रहा है तो कहाँ सेव करनी है, आपको डेस्कटॉप पे कर दिया हमने और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब अगर हमें देखना है कि हमारी फाइल कहाँ सेव हुई है तो यहाँ से क्लोज कर देते हैं। देखो न्यू के नाम से डेस्कटॉप पे हमारी फाइल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो सेव एज है। सेव एज ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सेव एज ऑप्शन का उपयोग हम हमारी फाइल का नाम और स्थान परिवर्तन करने के लिए करते हैं। इट मीन्स दोस्तों फाइल का अगर हमें नाम चेंज करना है तो सेव के द्वारा नहीं हो सकता है। जैसे देखो हमने सेव दबाया, ये ऑटोमेटिक सेव हो गया। अगर हमें फाइल का नाम और उसका स्थान चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, सेव एज। तो सेव एज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेव एज पे जाएंगे और यहाँ से हम सेव एज पे क्लिक किया और करते ही यहाँ से हमें नाम पूछ दिया, जबकि हमने सेव पे दोबारा क्या नहीं पूछा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, NEW न्यू, और न्यू क्या किया हमने, क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब जैसे हमें जाना है कहाँ पे, म्यूजिक के अंदर इसको स्टोर करना है, तो हमने म्यूजिक सिलेक्ट किया इसका लोकेशन और सेव कर दिया इसको। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट देते हैं, यहाँ से जाते हैं माई कंप्यूटर, और म्यूजिक कहाँ लिखा हुआ है हमारा, देखिए हमारा म्यूजिक का जो है वो ये रहा, म्यूजिक पे हमने क्लिक किया, ये रहा हमारा फाइल, यहाँ पे सेव है। अब देखिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो हमारा क्या है, ओपन है। ओपन का उपयोग हम किस लिए करते हैं, ओपन की शॉर्टकट की देखिए दोस्तों कंट्रोल प्लस ओ होती है, और कंट्रोल ऑप्शन का उपयोग हम पहले से बनाई गई फाइल को देखने के लिए करते हैं। जैसे हमने ये किया प्रेस, और हमने जैसे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से हम, देखिए दोस्तों अब हम यहाँ से किसको सेलेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये RAJ नाम की कोई फाइल है जिसको हम यहाँ पे ओपन कर दिया। ये देखो पहले से बनाई गई फाइल को देखने के लिए हम ओपन का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे, और हम किसकी तरफ जाते हैं, क्लोज।
क्लोज करते ही देखो वो क्लोज हो गया। अब दोबारा हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा पेज है ये भी क्लोज हो गया, पूरा पेज साफ हो चुका है। अब हम दोबारा क्या करते हैं तो ओपन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़े तो आगे हमारे पास क्या है, इन्फो। इन्फो के अंदर क्या होता है दोस्तों, इन्फो के अंदर वो आपको क्या बताएगा, इस पेज का पूरा आपको प्रॉपर्टीज बताएगा आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर आइए, देखिए इधर साइज क्या लिखा हुआ है, 12.8 KB है। मतलब हमारी जो फाइल है उसकी साइज कितनी है, 12.8 KB है। और पेज कितने हैं, 1 पेज का है। वर्ड कितने हैं, 304। और उनकी एडिटिंग में टाइम कितना लगा है, 0 मिनट लगे हैं। क्यों, क्योंकि हमने तो रेंट किए हैं उसे उठाए हैं, तो हमारे पास 5 पैराग्राफ आए उसके अंदर कोई मिनट नहीं लगी थी, 0 मिनट लगी है। तो ये था। फिर नीचे देखो लास्ट मॉडिफाई कब हुआ, 11:07 पर हुआ है, ठीक है दोस्तों। और हमने क्रिएट भी कब किया, 11:07 पर किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और क्या है, रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है दोस्तों अभी अभी हमने हाल ही में जितनी भी फाइलें खोली है वो कहाँ पर आएंगी, आपकी रिसेंट के अंदर आएंगी। फिर उसके बाद में न्यू आता है। न्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, न्यू का मतलब होता है नई फाइल। जैसे ये ब्लैंक पेज आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करते ही पूरा का पूरा ब्लैंक पेज हमारे सामने आ चुका है। तो देखिए इसको हम काट देते हैं। अब न्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Ctrl+N होती है। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा क्या है, प्रिंट। या तो हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से इसको हटा करके डायरेक्ट हम क्या करेंगे, Ctrl+T दबा करके हम प्रिंट को करवा सकते हैं। यहाँ से हम जैसे प्रिंट पे दबाएंगे ये पेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर हम दोस्तों उससे आगे बढ़ते हैं और हमारे पास क्या है, सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड को दोस्तों हम मेलिंग टैब के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि मेलिंग टैब पूरा इसी के ऊपर है, तो उसको यहाँ पर हम एक अलग से वीडियो बना करके पूरा एक्सप्लेन उसके अंदर करेंगे इसको। फिर उसके बाद में दोस्तों आगे आता है हेल्प। हेल्प के अंदर क्या आता है, हमारे पास ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन के ऊपर जैसे हम जाते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इन ऑप्शंस का हमारे नॉर्मली हमारे एमएस वर्ड टाइपिंग के अंदर हम इनका यूज नहीं करते हैं, फिर भी नॉर्मली अगर आप, मैं बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे आते हैं, जैसे हमारे पास क्या दिया है, कलर स्कीम दिया, जैसे ब्लू है, ब्लू को मैं क्या करता हूँ, सिल्वर कर देता हूँ। सिल्वर करने के बाद जैसे ये ब्लू जो कलर आ रहा है ना हमारा, यहाँ पर क्या आएगा, सिल्वर कलर आएगा दोस्तों। देखिए जैसे ओके करता हूँ, सिल्वर कलर आ गया। अब जैसे वापस जाता हूँ ऑप्शन के ऊपर और यहाँ से सिल्वर की जगह क्या करता हूँ, ब्लैक। ब्लैक करते हैं हमारा पूरा क्या हो गया, बैकग्राउंड ब्लैक आने लग गया। ये दोस्तों इसका यूज़ था किसका, हमारे इसका ऑप्शन का यूज़ था। अगर दोस्तों आपको ऑप्शन के अंदर भी अगर आपको लगता है कि हमें इसके बारे में सभी फंक्शंस को हमें बताना है या सभी ऑप्शंस को हमें इसके बारे में बताना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको इसके बारे में भी आपको अलग से वीडियो बना देंगे। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों हमारे पास एग्जिट। एग्जिट का मतलब आप सभी जानते हो, एग्जिट करते ही पूरा पूरा एमएस वर्ड का पेज हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करना, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना, तथा उसके साथ आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।